हाय फ्रेंड्स, मैं अभी अंसारी, आप देख रहे स्टार मैकेनिक। मेरे पास आया है मारुति ब्रिजा, फिटिंग प्रॉब्लम है, इसका पानी कैलकुलेशन हो रहा नहीं। और आप देख सकते हो, इसमें मैं स्कैन किया हूँ, थोड़ा नजीक लाओ। इसका फैन ऑन है, लो स्पीड में अभी फैन ऑन है। और कूलन टेम्परेचर देख सकते हो 101 हो गया है इसका, और फैन कंटिन्यू ऑन है। तो आपको दिखाता हूँ आगे का। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो ये कूलेंट का पाइप हॉस पाइप है। ये हॉस पाइप गर्म नहीं होता है, यानी इसमें पानी घूम रहा ही नहीं। तो पानी नहीं घूमने के कारण क्या है, तो उसके ऊपर हम डायग्नोस करेंगे। और ये हो गया लोअर हॉस पाइप, ये फुल गर्म है, इसका टेम्परेचर फुल गर्म है। और आप देख सकते हो इसका फैन भी चालू है, ये फैन कंटिन्यू चालू रह रहा है। तो हम देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका रेटर चौक पे क्या थर्मल स्विच वाल गया है। हो रहा है, ये देख सकते हैं आप नीचे का हॉस पाइप है, लोअर हॉस पाइप, ये बिल्कुल गर्म हो रहा है, हाथ भी नहीं लगा सकता इतना गर्म है नीचे का। और ऊपर का हॉस पाइप बिल्कुल ठंडा है। मुझे इसका थर्मो स्विच वाल पे डाउट आ रहा है। ये देख सकते हैं वाटर जैकेट है, तो ये वाटर जैकेट के अंदर प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, या तो इसका थर्मो स्विच वाल गया होगा, या तो ये फाइबर आइटम में है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा करके ये टूट जाता है, इसका फाइबर टूट जाता है, वाटर इसका थर्मो स्विच वाल का वाटर जैकेट। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, पानी घूमता नहीं फिर, और पानी नहीं घूमने की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, और फैन इसका कंटिन्यू चालू ही रहता है। आप देख सकते हैं इसका फैन भी चालू है, कंटिन्यू फैन चालू रह रहा है। तो हम वाटर जैकेट खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये वाटर जैकेट के अंदर का फाइबर टूट गया है, जिसपे थर्मो स्विच वाल बैठता है, तो इसका फाइबर ही टूटा हुआ है। और ये है नया वाला, तो नया वाला का देखो पूरा असेंबली है वो, और जूने वाला का देख सकते हैं आप टूट गया है, इसका टुकड़ा भी इसी में था, ये रहा इसका टुकड़ा। तो ये टूटने की वजह से ये थर्मो स्विच वाल ओपन नहीं हो रहा था, तो ओपन नहीं हो रहा था, इसको वजह से क्या हो रहा था, पानी घूम रहा नहीं था इसका, और पानी नहीं घूमने की वजह से गाड़ी ओवर हीट हो रहा था, और फैन इसका कंटिन्यू चालू रह रहा था। तो हम इसका नया वाटर जैकेट डालने जा रहा हूँ, और वाटर जैकेट डालने बाद देखते हैं फिर टेम्परेचर कितना आता है, और कितने टेम्परेचर में फैन घूमता है इसका। तो वाटर जैकेट पहले हम फिटिंग करते हैं इसका नया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाटर जैकेट हमने रिप्लेस कर दिया हूँ, और देख सकते हैं गाड़ी हमारा चालू है। और आप देख सकते हैं हमारा गाड़ी चालू है, लेकिन इसमें एक चेकलेट आ रहा है, तो स्कैन करके देखेंगे किस फॉल्ट की वजह से लाइट आया है। हमने इरेज कर दिया है, नो फॉल्ट डाटा आ रहा है, और मीटर में लाइट भी चला गया है। और हम देखते हैं इसको टेम्परेचर कितना बता रहा है, और कितने टेम्परेचर में फैन ऑन हो रहा है। हमारा फैन ऑन हो चुका है दोस्तों, 98 में हमारा फैन ऑन हो गया है, और आप देख सकते हैं आगे से भी फैन। देख सकते हो फैन हमारा ऑन है,
फैन ऑन हो गया है और ये अपर हॉस पाइप है ये फुल हीट हो गया है, इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। और आप देख सकते हो फैन भी हमारा ऑन हो करके ऑफ हो चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों आप, कभी भी अगर आपके साथ में ऐसा हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में, नीचे का पाइप गर्म हो रहा है अगर ऊपर का पाइप नहीं गर्म हो रहा है, तो सबसे पहले आपको इसका वाटर जैकेट चेक करना है, क्योंकि अधिकतर करके ये गाड़ी क्वार्टर जेट गाड़ी में इसका थर्मो स्विच का फाइबर ही टूट जाता है और उसके वजह से इसका थर्मो स्विच वाल्व ओपन होता नहीं और नहीं ओपन होने की वजह से पानी सर्कुलेशन नहीं होता और उसकी वजह से गाड़ी हीट हो जाता है। तो ज़्यादा करके तो ये मारुति गाड़ियों में इसका ही फॉल्ट आता है, तो सबसे पहले इसका ही डायग्नोस करें, उसके बाद फिर रेटर वगैरह।